हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल काफी नॉलेजबल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक वैसे अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन तरीका से आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक वैसे अपडेट करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक वैसे अपडेट कर देते हैं तो दोस्तों जो आपका केवाईसी होता है काफी लंबे टाइम से पेंडिंग में नजर आता होगा और आपका जल्दी केवाईसी अप्रूव नहीं हो पाता, तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना बैंक केवाईसी को जल्दी से अप्रूव करा सकते हैं, इसका क्या सही तरीका होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक आप देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर का ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च में आपको टाइप करना है ईपीएफओ, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे आ जाइए, नीचे जब आएगा तो यहाँ पे पहला वेबसाइट आपके पास नजर आता होगा www.epfindia.gov.in। तो दोस्तों आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे सो पहला वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार इंटरफेस खुलकर आ जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों इसी ऑप्शन में से आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा केवाईसी अपडेशन मेंबर नजर आता होगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको केवाईसी अपडेशन मेंबर पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके पास एक नया पेज आ जाता है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे सो लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक डायरेक्ट कर देगा, काफी इजी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पीएफ अकाउंट में बैंक वैसे अपडेट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है पहला बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा दूसरा बॉक्स में यहाँ पे फिलअप कर देना है, उसके बाद उसके पास जो भी कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप कर देने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा साइन, तो दोस्तों आपको साइन पे क्लिक कर देना है। साइन पे क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप विंडो में एक अलर्ट आ जाता है, जल्दी से इस अलर्ट को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे देख सकते हैं दो ऑप्शन नजर आता होगा, पहला ऑप्शन है अपना जरा प्रोसीड और दूसरा ऑप्शन है अपना जरा लेटर। तो दोस्तों आपको लेटर पर क्लिक कर देना है, जैसे सो लेटर पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आ जाता है। चलिए सो आप यहाँ से प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक वैसे अपडेट करेंगे। तो बैंक वैसे अपडेट करने के लिए ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं नजर आता होगा मैनेज, तो दोस्तों आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है। जैसे सो मैनेज पर क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे देख सकते हैं काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आ जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं नजर आता होगा केवाईसी, तो दोस्तों आपको केवाईसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा एड केवाईसी, उसी के नीचे से जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं उसका देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ नजर आता होगा। जैसे कि अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक का ऑप्शन नजर आता होगा, अगर आप पेन केवाईसी या तो फिर पासवर्ड केवाईसी अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ भी देख सकते हैं पेन और पासवर्ड का ऑप्शन बना हुआ नजर आता होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपको बैंक केवाईसी किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए सिंपल से आपको बैंक पर क्लिक कर देना है। जैसे सो बैंक पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन खुलकर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक वैसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल किस प्रकार से फिलअप करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली दोस्तों जो भी आपका बैंक अकाउंट में डिटेल होता है वही यहाँ पे फिलअप करना होता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर में देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा बैंक डिटेल, ठीक है, बैंक का डिटेल ही यहाँ पे देना होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा नेम एज पर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जो भी दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में नाम होता है वो यहाँ पे फिलअप करना होता है, लेकिन दोस्तों जो भी आपका प्रेजेंट टाइम में आपका पीएफ अकाउंट में नाम होता है वही नेम दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं जो भी मेरा पीएफ अकाउंट में नाम है वो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लिया, ठीक है। सेम ऐसा आपको भी यहाँ पे जो नाम होता है ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ, जैसे जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका नाम है या तो फिर फादर्स नेम है या तो फिर अगर आप ओमेंस होंगे तो आपका हस्बैंड का नाम हो सकता है, तो वही नेम सेम एज आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों जगह नाम सेम होगा तभी सो आपका यहाँ पे केवाईसी अप्रूव हो पाएगा, अदरवाइज अगर वर्ड मीनिंग में या तो फिर नेम में किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो जाता है या तो फिर मिसमैच हो जाता है तब दोस्तों यहाँ पे केवाईसी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा नेम मिसमैच का, ठीक है। सिंपल से भाषा में आपको बता देता हूँ, जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका डिटेल है सेम एज आपका बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आपका डिटेल सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन फिलअप करना होता है वो दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट फिलअप करना होता है। तो जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक वैसे ऐड करना चाहते हैं उसका जो अकाउंट नंबर होता है यहाँ पर आपको इस बॉक्स में अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे दोबारा से आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में आकर यहाँ पे दोबारा से आपको अकाउंट नंबर फिलअप करना है।
जो अकाउंट नंबर आप ऊपर फिलअप कर रहे हैं सेम एज वही अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे फिलअप करना होता है। जो बैंक अकाउंट आप अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी करना चाहते हैं उसका जो लेटेस्ट बैंक आईएफएससी कोड होगा यहाँ पे बैंक आईएफएससी कोड में सेक्शन में आकर के आपको बैंक आईएफएससी कोड फिलअप कर देना है। आईएफएससी कोड फिलअप कर देने बाद सबसे पहले आपको एक बार वेरीफाई करना है, चेकआउट करना है जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपल से यहाँ पे देख सकते लिखा होता है वेरीफाई आईएफएससी, तो दोस्तों आपको वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक कर देना है। जैसे जैसे वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करते हैं उसके बाद फाइनली यहाँ पे आईएफएससी कोड वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद ऊपर में देख सकते हैं पॉपअप विंडो यहाँ पे खुलकर आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता है आईएफएससी वेरीफाई, ठीक है। तो सेम दोस्तों आपको एक बार कंफर्म हो जाना है, वेरीफाई कर लेना है कि जो भी आपने डिटेल फिलअप किया जैसे कि आईएफएससी कोड वगैरह सही है या नहीं, ठीक है। वेरीफाई कर लेने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा ओके, तो दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे ओके पर क्लिक करते हैं उसके दोस्तों ब्रांच का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम भी यहाँ पे फेच कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मार देना है, कंसर्न दे देना है। कंसर्न दे देने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नजर आता होगा सेव का, तो दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेव पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाता है जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों जो भी आपके आधार कार्ड के साथ जो भी आपके पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर दोस्तों एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी दोस्तों ओटीपी आता है यहाँ पर इंटर ओटीपी वाला सेक्शन में आकर आपको ओटीपी यहाँ पर फिलअप करना होता है। उससे पहले एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए जैसे कि आपका नाम यहाँ पे अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह सब सही है या नहीं, ठीक है। सब कुछ सही हो जाने के बाद जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी गया है ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा सबमिट, तो दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद फाइनली आपका बैंक को ऐसे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देता है केवाईसी वाला सेक्शन में जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी दोस्तों जो आपने केवाईसी सबमिट किया है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, उसी के नीचे जो भी आपने बैंक को ऐसे सबमिट किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नजर आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपका यूएन नंबर, उसके बाद डॉक्यूमेंट में बैंक, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका नाम होता है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड और डेट और टाइम यहाँ पर नजर आता होगा। सबसे मेन पार्ट आता है स्टेटस, स्टेटस में देख सकते हैं अभी फिलहाल नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक को ऐसे अपडेट करेंगे, ठीक है। अब आपका बैंक को ऐसे किस प्रकार से अप्रूव होता है उसका क्या स्टेप होता है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जनरल से जो आपका बैंक केवाईसी होता है वो दो स्टेप में काम करता है, दो जगह से अप्रूवल लेता है, ठीक है, दो जगह से अप्रूव होता है। सबसे पहले जो अप्रूव होता है वो आपका बैंक के द्वारा अप्रूव किया जाता है, जैसे कि अभी देख सकते हैं स्टेटस बना जाता है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि जो भी आपने बैंक को ऐसे सबमिट किया है वो दोस्तों सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक के पास गया है। बैंक दोस्तों जनरली दो से तीन दिन या तो फिर एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों आपका बैंक को ऐसे बैंक अप्रूव कर देता है। उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपके एम्प्लॉयर आपके कंपनी आपके ठेकेदार के पास चला जाता है। जब दोस्तों आपका बैंक को ऐसे आपके कंपनी आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाता है तब दोस्तों यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाता है, स्टेटस में लिखा हुआ आ जाता है पेंडिंग विथ इम्प्रूव फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। जो आपका बैंक केवाईसी होता है तो आपका फाइनल अप्रूवल आपके कंपनी द्वारा ही किया जाता है। अब दोस्तों अगर आपका केवाईसी काफी लंबे टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ नजर आ रहा है या तो फिर लंबे टाइम से पेंडिंग में ही है और उसे आप जल्दी से अप्रूवल कराना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे जो मेन पार्ट बताने वाला हूँ वो सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपका बैंक केवाईसी आपके बैंक द्वारा अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपके कंपनी के पास चला जाता है तब यहाँ पर स्टेटस में शो जाता है पेंडिंग विथ इम्प्रूव फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तब दोस्तों आपको यहाँ पे तुरंत एक काम कर लेना है, ठीक है। जैसे कि जो भी आपका कंपनी होता है जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है जो भी आपका नियोक्ता होता है उससे आपको कांटेक्ट करना होगा, कांटेक्ट से आप फोन कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट आप कंपनी विजिट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है उसको बताना है कि मैं अपने पीएफ को बैंक को ऐसे किया हूं और मुझे काफी ज्यादा इमरजेंसी है उसे जल्दी से जल्दी अप्रूव कर दें, ठीक है। उनसे निवेदन कीजिए उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उसके बाद जो भी आपका बैंक वैसे होता है वो आपके कंपनी आपके नियुक्ता द्वारा आपका केवाईसी तुरंत ही अप्रूव कर देगा। अगर आप उनसे निवेदन या रिक्वेस्ट या तो कॉन्टेक्ट नहीं करते तो दोस्तों आपका जो केवाईसी होता है लंबा टाइम से यहाँ पे पेंडिंग में नजर आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आपका कंपनी आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपका बैंक केवाईसी अप्रूव कर दिया जाएगा उसके बाद वो करंट एक्टिव केवाईसी वाला सेक्शन में आ जाता है, वहां पर आपका अप्रूव लिखा हुआ नजर आ जाता है। जब आपका बैंक केवाईसी अप्रूव हो जाएगा उसके बाद इजी वे में आप अपना पैसा वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ को अपना ऑनलाइन तरीके से बैंक को ऐसे सबमिट करेंगे और उसे तुरंत अप्रूवल के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया हूँ। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो में आपको अच्छा लगा हो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए ही सिर्फ वीडियो पाना चाहते वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इसे आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।